हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं घूमने, और कहाँ घूमने जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा बाग है जिसे बोलते हैं खुसरू बाग प्रयागराज में, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। काफ़ी पुराना वो एक किला टाइप का है, काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट काफ़ी आते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं, फिर वहाँ का दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो गाइस, आ चुके हैं वहाँ पे जिस जगह हम आना चाह रहे थे। ये है वो जगह, इसका नाम है खुसरू बाग, और ये अभी तो फिलहाल खाली दिख रहा है। शाम के समय इसमें भीड़ ज़्यादा होती है। क्या करना भीड़ को, मैडम कह रही है शाम को आना चाहिए तो भीड़ ज़्यादा होती है। लोग यहाँ अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। अच्छा है, यहीं दो चार रील्स बना लेंगे। कितना अच्छा लग रहा ना? क्या? हाँ, और क्या। ये है खुसरू बाग के अंदर है जो किला, वो है। अब इसमें क्या है, इसका स्टोरी अभी हमें मालूम नहीं है। यहाँ के लोगों से पता करते हैं, फिर इसमें हम बताएंगे आगे आपको। ये एरिया जो है दूसरा एरिया है, और ये एरिया जो है दूसरा एरिया है, बट दोनों कनेक्टेड है दूसरे से। हाँ, वहाँ तो अंदर भी जाना है। देखेंगे ना, पूरा घूमते हैं ना, कैसे कैसे क्या। थक गए अभी से क्या? थकी नहीं। सो गाइस, ये इतने एरिया में फैला हुआ है कि हम लोग चलते चलते एकदम थक गए हैं। जा रहे हैं लिट्टी चोखा खाने। क्या मैडम को भूख भी लग रहा, बोले लिट्टी चोखा खाएंगे अब। रियली गाइस, बहुत ही एरिया में फैला हुआ है, इतना फैला हुआ कि आदमी चलते थक जा रहा है। अब जैसे आज हम दोनों आए हैं, प्लानिंग ये है कि कल परसों फिर बच्चों के साथ वापस आया जाएगा यहाँ पे। पहले मैं इसके सामने से गुजर जाता था, मैं समझता था कोई जेल टाइप का दिखता था। इसकी पिलर बहुत ज़्यादा, सॉरी बाउंड्री है, काफ़ी हाइट बनाया है। तो अक्सर ऐसी बाउंड्रीज वहाँ होती है जहाँ पे कुछ चीज़ आदमी जैसे छुपाता है या नहीं दिखाना चाहता, जैसे जेल वगैरह में होता है। जो नैनी जेल है ऐसी हाइटेड था, तो मैंने समझा कि शायद ये जेल है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला कि भैया जेल नहीं है, ये एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट है। और गाइज, सबसे अच्छा इस जगह का ये लगा कि ये जैसे लाइन से आप देख रहे हैं, एक दो, फिर ये हो गया तीन, पेड़ के पीछे छुप गया है, और एक उधर है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। इस समय खाली है, हम लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं। शाम को आए होते तो बस भीड़ ही भीड़ नज़र आता। सो गाइज, घूमते घूमते लग गया भूख, तो मैडम को बड़ा ज़्यादा हैवी खाना नहीं है, बट फिर भी हैवी है एक तरह से, नूडल तो हैवी होता ही है। हमने सोचा थाली ऑर्डर करेंगे, लेकिन मैडम ने बोला नहीं, ज़्यादा नहीं खाना, घर में चल के खाएंगे। तो अभी ऑर्डर किया है नूडल और फ्राइड राइस, दोनों आ रहा है। मैडम की भूख मिटेगी फिर। मैडम की प्यास लगा तो हमने पहले ये मंगा लिया स्प्राइट, काफ़ी ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग चले जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, कुछ खाया नहीं, कुछ पानी की बोतल भी नहीं ले गए थे। सो गाइस, फाइनली आ गया है नूडल, फ्राइड राइस। भूख तो बहुत तेज लगी थी, आते ही हम लोगों ने शुरू कर दिया। सो गाइस, आ गए हैं घर, और ये जानी के पास खड़ा होकर पूछ रहा है क्या 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 क्या, वो कुछ नहीं, आपके लिए नहीं, दादी के लिए दवाई है। दादी के लिए पानी पिलाए हैं, चाहे बाहर से इतने साइकिल चला चला, अंदर साइकिल घर है, जूता घर। दादी को पानी पिलाए हैं, नहलाए भी हो? हाँ। कहाँ है वो बड़का? कहाँ बड़का कहाँ है? ये वो क्या बनाए हो क्या? फिर से बना रहे थे? नहीं नहीं नहीं, हम कराएंगे शाम को। कौन छोटा का? ये इससे कहीं ताला सा भी खुलता है यार। ताला नहीं खोलने के लिए लाया हूँ। हाँ, पता नहीं पता, पूछ लिया था खोलने के लिए। तो भाई देखिए, ये लेके आया था ताला चाबी खोलने के लिए। नहीं नहीं, मैं खेल खोलने के लिए नहीं, खेलने के लिए लाता हूँ। चलो हम बात कर लेते, हम बात कर लेते, उठ सीधा कोनो पहला आता साइकिल चला वगैरह। कहाँ है बड़का? बड़का हुआ देख। आओ बेटा इधर आओ, सुभाष पहले गेस करो, क्या इधर सामने।
अच्छा इसमें इसमें क्या है बेटा बता? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछना। क्या है इसमें? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछना। रील स्कूल देख रहे हैं। खोलो भाई, खोलो खोलो। प्लेट ले आओ चम्मच। क्या? मुझे नहीं पता है, मुझसे नहीं पूछना। मुझे नहीं पता है, मुझसे ना पूछो। कटोरी मत ले आओ, वो छोटा वाला प्लेट लेके आओ, व्हाइट वाला। छोटा वाला प्लेट ले आओ, लेके लाओ। यार क्या कर रहे हो? मोबाइल चलता छोड़ के आए हो? छोटा छोटा प्लेट नहीं था आप वाला, व्हाइट वाला। ये देखो कैसे नाक निकलता जा रहा है, देखो पेट देख रहे हो? पापा के पास आओ ना। क्या है? आप बताओ क्या है? अरे वाह, शुभांश इज राइट, बटर स्कॉच पेस्ट्री है। ठीक है, लाओ निकालो। दादी को मत, चलो खाओ आप खाओ। कैसा है बेटा, टेस्ट कैसा है? तो मत खिलाओ। टेस्ट कैसा है भैया? बढ़िया है, मजा आ रहा है। खाना है कि दादी जने मरा है, तो मत खिलाओ। आराम से खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो भाई देखिए, ये वॉशेबल पिलो कवर है, इसको कलर करके और दोबारा वॉश कर सकते हैं। इसको लगा हुआ है, मजा आ रहा है। और बाकी लोग लगे हैं रामायण देखने में, नजरें नहीं हट रही है। और बाकी लोग देख, दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या कर रहे हैं लोग। ये मैडम देखिए, अपनी दुनिया में अपने वस्त्र को सिलने फाड़ने में लगी हुई हैं। फटता है सिलती हैं, फिर फटता है सिलती हैं। अभी क्या हो रहा है? अच्छा ये क्या बोलते हैं इसको? हाल लग रहा है, कल पहनेंगी। और वो कहाँ है? और ये मोबाइल मास्टर अभी फ्री से केक लेके आया था, ख़त्म कर दिया खा के। चलो इसको उठाओ, वहाँ पर रखो, वॉश बेसिन में डालो। चलो मैं बेसिन में डाल गया। हाँ चलो, क्या बोल रहे हो? मोदक कैसे? अरे यार किस कलर का होता है पता नहीं, मोदक किस कलर का होता है? मोदक कौन सा कलर का होता है भाई? मोदक कौन सा कलर का होता है? मोदक मैदा का होता है। क्रीम कलर डालो। क्रीम कलर किस कलर का? क्रीम बनाओ, व्हाइट और येलो डालो, क्रीम बन जाएगा। व्हाइट है नहीं। वो देखो फट गया आपके यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट है नहीं। है ठीक नहीं है, मम्मा को देना सिल देगी। है ठीक है नहीं, व्हाइट। येलो कर दो, येलो और ये कर दो ऑरेंज। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, रामायण देखने में, पेंटिंग में, मोबाइल देखने में। पिताजी उधर पता नहीं कुछ लगे। येलो और ऑरेंज है ना? हाँ। तबला बजा रहा है, पता नहीं क्या ऐसे करता रहता है यहाँ पे सब। कैसे देखिए गाइस, फिर शुरू हो गया, देख रहा चुपके। हटाओ हाथ, हटाओ। पता नहीं क्या है इसको, ऐसे ऐसे करने में क्या मजा आता है। देखो रामायण आ रहा है, रामायण देखो, देखो रामायण आ रहा है, सब रामायण देख रहे हैं। सो गाइस क्या अभी खाए नहीं हो? कर रहे हैं डिनर, और ये गधा खा नहीं रहा है, पालक नहीं खा रहा है। कहाँ खा लिया, थोड़ा सा बच्चा देखो, लास्ट बच्चा खाओ। खाएगा भैया, खाएगा लो, पापा के लिए खा लो, खा पापा के लिए। चलो जाओ, तुम भी खाओ, यहाँ मत लेटो। बंद करो, मोबाइल बंद करो। देखो मामा बिना खाए सो गई है। ए रीना उठो यार, खा लो, खाना खा लो, उठो। सब खा हुए, तुम बची हो, तुम और मम्मी। ए भैया देखो बेचारी घूमने गई है, थक गई मैडम, गोली खा ली है नींद वाली। चलो उठो। ए अब बंद करो मोबाइल।
सुभांश बंद करो, सुभांश बंद करो मोबाइल, बंद करो, चलो प्लेट उठाओ वहाँ से, हो गया काम उसका प्लेट का, उठाओ वहाँ से, ये दवाई यही रह दो, डेली याद रहेगा तुमको, तभी खाओगी। सो गाइस, हाँ मैं खा लिया हूँ, मैडम ने खा लिया माइग्रेन की दवाई, उसमें क्या है नींद आता है, और नींद आते ही मैडम सो गई, ये लोग भी सो रहे हैं, और मैं जाऊँगा वहाँ पे ससुराल में, क्योंकि अभी तक वो आए नहीं है, तो घर की रक्षा करने के लिए, कब चोरों का आक्रमण हो जाए उसमें पता नहीं, एक बार जैसे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें चोरों ने एंट्री किया था, पैरों के निशान पाए गए थे, लॉक था दरवाज़ा, फिर भी अंदर से ऊपर से कूद के, इसलिए वहाँ सोना ज़रूरी है। तो अभी मैडम खा लेंगी, तो मैडम के साथ हम वहाँ जाएंगे। सो गाइस, सर हो रहा था थोड़ा भारी, क्योंकि आज दोपहर में हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए, तो मैडम ने थोड़ा सा मालिश किया था, तो वो तो सो गई हैं। सिवान से रात में आवाज़ें करता है काफ़ी, दिन में जो होता है वो रात में चिल्लाता है, उसी की आवाज़ आ रही है। सो गाइस, बज गए हैं रात के 12, करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। गाइस, एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहीं बाहर जा नहीं पाता हूँ, कहीं कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो ब्लॉगिंग में कुछ खास आपको दिखता नहीं है, बट जितना भी दिखता है प्लीज़ गिव योर सपोर्ट, एंड आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे ब्लॉग्स डालूँ जिसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखें, क्योंकि मेरा डेली ब्लॉग है, डेली लाइफ के ऊपर चल रहा है, क्योंकि मेरा ब्लॉग का टाइटल ही यही है डेली ब्लॉगिंग, तो डेली ब्लॉगिंग में जो मेरा डेली लाइफ में हो रहा है उसी को मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई मैं प्लानिंग नहीं करता कि मुझे क्या करना है, बस सुबह उठे हमने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, तो बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, बहुत लोगों को ये लगता होगा क्या डेली वही दिखा रहा है, तो अब कोशिश ये रही कुछ नया नया दिखाया जाए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Good night.